उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शिक्षक ही बन जाए भक्षक तो देश का क्या होगा। ऐसा ही एक मामला दिनेशपुर के उदय नगर गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा छात्राओं तथा भोजन माता के साथ अश्लीलता करने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण भारी मात्रा में स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। उधर प्रधानाचार्य राम प्रकाश गंगवार मौके से फरार हो गया। इस दौरान भोजन माता ने कहा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य आए दिन स्कूल के कमरे में पानी मांगने के बहाने अश्लील हरकतें करते हैं। वह स्कूल की छात्राओं के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं। मैं स्कूल का भोजन माता हूँ। दीदी है मेरा, मेरे से बड़ा, और बहुत दिन से काम कर रहा है। 15 साल होने वाला है हमारा। जैसे 6 महीने से मेरे को परेशान कर रहा है, और मेरे को नहीं बच्चे को भी परेशान करता है। और जब मैं स्कूल में पानी पुनी देते जाता हूँ ऑफिस में, उस टाइम वो ऑफिस के बरंदा में नहीं बैठता है, अंदर जाता है। जाके वो बुलाएगा, फिर पानी लेके जाने के बाद गंदी नज़र से हाथ लगाता है। मैंने एक दिन थप्पड़ भी मारा था उनको। फिर कह रहा है, अरे भाभी जी क्यों, क्या हुआ तुम्हें, अरे तुम्हारा हाथ कंट्रोल में रखो ना, तुम ऐसे करो कि तुम एक गुरु हो। कह रहे, अरे गुरु हो तो गुरु, तुम तो भाभी जी हो हमारा, ऐसे ऐसे बात करता है और गंदे गंदे हरकत करता है वो। ग्रामवासी दिनेशपुर के एक गांव है, उसके ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ छेड़ाखानी, वो भोजन माता के साथ भी छेड़ाखानी की जा रही है करके। तो इस संबंध में हमारे पास तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर थाना दिनेशपुर में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, और जिसकी विवेचना SI रजनी गोस्वामी द्वारा की जा रही है, और पोक्सो एक्ट और 354 IPC के अंतर्गत अपर थानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।